मध्य प्रदेश सरसों तेल के उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होने जा रहा है। इस साल मध्य प्रदेश में सरसों तेल उत्पादन में पंजाब हरियाणा को पीछे कर सकता है। मध्य प्रदेश में इस साल 12.5 लाख टन सरसों तेल का उत्पादन का अनुमान है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 47% ज्यादा है। यदि ऐसा होता है तो मध्य प्रदेश सरसों तेल के उत्पादन में राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बाद तीसरे नंबर पर आ जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार का पूरा फोकस सरसों तेल के उत्पादन को बढ़ाने का है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को एक जिला एक उत्पाद नीति के तहत भिंड जिले के अधिकारियों को सरसों तेल की ब्रांडिंग के आदेश दिए थे। इसके अलावा सरकार छोटी तेल मिल के प्रोत्साहन और सरसों तेल के वैल्यू एडिशन पर भी काम कर रही है। बता दें कि सरसों तेल का उत्पादन भिंड मुरैना जिले में सबसे अधिक होता है, जहां का तेल बिहार और बंगाल में भी सप्लाई होता है। सरसों तेल के उत्पादन में राजस्थान देश का अव्वल राज्य है, इसके बाद यूपी और पंजाब हरियाणा का नंबर आता है। सरसों तेल के दामों में लगातार उछाल को देखते हुए किसानों ने इस बार इसकी खेती का रकबा बढ़ाया। किसानों को सरसों के उत्पादन से अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद बढ़ गई है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से आपूर्ति प्रभावित होने से तेल के दामों में तेजी बनी हुई है। थोक बाजार में सरसों का तेल 150 रुपये लीटर तक बिक रहा है और व्यापारियों के अनुसार इसमें आगे और भी तेजी की उम्मीद की जा रही है। अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।